हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये है मॉर्निंग, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर है शादी मेरे घर में नीचे के पोर्शन में। सो बहुत थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हैं, इसको इग्नोर कर लेना। ओके, सो दिन की शुरुआत होती है मेरी चाय नाश्ता करने से। उसके बाद मैंने करी अपने सासू माँ के रूम की पूरी सफाई, लाइक क्लीन, डीप क्लीन जो बोलते हैं वैसा डीप क्लीन टाइप का किया हमने और सुबेर ने मिल के। सो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला मतलब सफाई अभियान हुआ था। सो सारे के सारे जो तख्त थे वो बाहर निकाले गए थे, उसके बाद बहुत हैवी थे, ठीक है। तो हम लोगों ने सब जल्दी जल्दी मिलके किया, मतलब यहाँ पर तो जुबेर चाय पी रहे हैं बट जितना भारी काम था वो उन्होंने कर लिया था। मेरा काम था उसकी रूम की सफाई करना, डीप क्लीनिंग करना, जो कि कर लिया मैंने। सब कुछ अच्छे से वाइपर लगा रहे हैं। उसके बाद अभी ना मतलब खाना वाना सब बनाना भी है, मतलब ये काम करने के बाद भी बाकी और काम है, तो साथ साथ वो भी चल रहे हैं, चाय वगैरह भी बन रही है, ये सब भी हो रहा है। तो फटाफट से ये सारा डीप क्लीन कर लेते हैं। जब तक मैं ये वाइपर लगा रही हूँ, व्लॉग्स देख रहे हो, नया आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे हिट कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है न्यू व्लॉग्स अच्छे अच्छे और बनाने की, अपनी डेली लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करने की। अगर मेरी डेली लाइफ जो कि बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही आप जैसी ही है, जैसा कि और भी लोग होते हैं, तो मैं अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ दिखाती हूँ, तो प्लीज़। ओके, सो यहाँ पर मेरी डीप क्लीनिंग हो गई है ऑलमोस्ट, जितना भी मतलब डस्टिंग वगैरह वो सब करने के बाद मैंने धुलाई करी थी। तो अभी जो है हम लोग ये तख्त को लगा रहे हैं साइड में, मतलब थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर रहे हैं। सेटिंग चेंज हुई नहीं कि इमाम आ गए नंगू पंगू, तो ये सुसु सुसु करके आए थे, तो मैं तो बिज़ी थी, इस वजह से मैंने इनको निकर पहना दी थी खाली, मतलब अभी तो मौसम अच्छा खासा ठंडा हो गया तो पजामा पहनाते हैं। सो ये देखो सब सामान हो गया है बक्से में, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा खाने के लिए। मेरे भूख बहुत कसके लग रही है, मुझे थोड़ा सा मैं ये खील खिलौने जो कल लेकर आई थी तो वो खाऊंगी भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा खाना वाना भी बनाना था, तो मैं फटाफट से रोटी सब्जी बना ले रही हूँ, और बनाने के बाद मैंने खा पी लिया, उसके बाद मैंने बीच का दिखाया नहीं। तो चाय बन रही है यहाँ पर, और हाँ मैं आपको बताना ये भूल गई कि मैंने अम्मी के घर जो रूम में जो हमारा बड़ा था ट्रंक रखा था बक्सा वगैरह, उसको मैंने अपने कमरे में किया है, क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो मुझे ज़्यादा कपड़े उसमें स्टोर करने हैं, तो मैं बार बार अम्मी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती ना कि नहीं अम्मी हटिए मुझे मतलब ट्रंक खोलना है। इस वजह से मैंने उसको अपने रूम में रख लिया है ताकि उनका रूम और ज़्यादा स्पेशियस हो जाए, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा सा रूम से बड़ा है, तो हमने इसलिए रख लिया। यहाँ पे मैं सबको चाय दे रही हूँ, मतलब मेरी अम्मी की और बाबा की और जुबेर की। हाँ शायद जुबेर थे उस वक्त। चलो आओ इमाम यहाँ, चलो भैया ये बहुत खतरनाक, ये देखो सब इसमें धुआं ही धुआं हो गया। ओके, सो अभी रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी। तो मैंने यहाँ पे जो कच्चा प्याज एक्स्ट्रा डाला है ऊपर से, क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है, और साथ ही साथ बघारने में अलग डाला था, ऊपर से अलग डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा न्यू टाइप हो जाता है। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे बताना ज़रूर भिंडी। बाकी तो एज इट इज़ ऐसा ही है, थोड़ा सा मिर्चा, नमक और सूखा मिर्चा भी मैंने डाला है। इन केस अगर आपको हींग पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हो, थोड़ा सा जीरा या फिर कलौंजी वगैरह भी। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया सब कुछ। बहुत से लोग हल्दी भी डालते हैं मतलब, बट पर्सनली मुझे हल्दी नहीं पसंद है भिंडी में, मुझे तो हल्दी ही नहीं पसंद है, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को, ठीक है। हमने क्या लिया, चॉकलेट, चॉकलेट ली है, चॉकलेट। सो फाइनली हम लोग घर आ गए हैं, मैंने रोटी टी बना के खाना खा लिया है, अभी बज रहा है रात के 1:15, देख लो 1:15 हो रहा है, और बस जस्ट हम लोगों ने नेटवेट अपनी लगा ली है, इमाम तो सो गया है, और मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने मेकअप किया था, आपने देखा होगा कंसीलर वगैरह, मैंने आई थिंक मैंने शूट नहीं किया, तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर वगैरह लगाया हुआ था, तो वो तो ऑब्वियसली मैं लगा के नहीं सो सकती थी, इसलिए मैंने इसको वॉश किया है।
और हस्बैंड की टी शर्ट पहन ली है। अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए और हस्बैंड जी बना रहे हैं अपने लिए चाय, मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि मुझे रात में जगना नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू हैव। और मैं बस थोड़ा सा ये लगाऊंगी लिप ऑयल, फटाफट से लगा लेते हैं। सो फटाफट से लगा लेते हैं ये इस तरीके से, थोड़े से लिप्स अच्छे हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ये ऑयल लगाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं लगाने वाले, नो क्रीम नथिंग, बस मैंने क्लिंजर लगाया हुआ है और ये फेशियल ऑयल। और मैंने वही अपना पुराना सेटअप का क्लिंजर ही यूज़ किया हुआ है बिकॉज वो मुझे सूट करता है। वैसे ये क्लिंजर लगाने के बाद आप मॉइस्चराइजर ना भी लगा चल जाता है, बट स्टिल मेरा काजल रह गया है। एंड यहाँ पे यू कैन सी काफ़ी अच्छा, मतलब वो मुझे लगता है थोड़ा सा और ले लेंगे, थोड़ा सा मैं अपने हाथों पे भी लगाऊंगी। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग, हल्का फुल्का सा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी अलग टॉपिक पे मैं अपने ब्लॉग चैनल पर कुछ लेकर आने वाली हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, मतलब हस्बैंड के साथ। सो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट करो कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे, ब्लॉग पे कोई चैलेंज वगैरह अगर देखना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पुट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।